एक्स प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स वेयर ए एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, हर एक सभी एक्स के लिए ए और बी जीरो से ग्रेटर होगा, देन इसमें से कौन सा कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास क्या दिया है, ए बी प्लस का बी बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होगा वो सबसे छोटा क्या होगा, सी कह रहा है, यानी कि ए एक्स प्लस का बी बाई एक्स इक्वल टू में सी, मिनिमम वैल्यू इसी पे कह रहा है। अब देखिए, एज ए सपोज एज ए फंक्शन लेट, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन क्या मिल गया, ए एक्स प्लस का बी बाई एक्स। चलिए अब इससे हम लोग चेक करते हैं डिफ्रेंशिएट करके, वही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए माइनस में बी बाई में एक्स स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो कर दो, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस का बी बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर माइनस बी बाई में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए, यानी कि आप लिख सकते हैं ऐसे भी ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू में, ये माइनस है ना, इधर माइनस में सटा दो, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू में बी, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर बी बाई ए, यानी एक्स इक्वल टू में चाहो तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी बाई ए, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस वाले से मतलब नहीं है, है ना। ऊपर आपका क्या रहा ना जी, ऊपर आपका ऐसे चाहो तो प्लस में दे सकते हो, लेकिन आप ऊपर कंडीशन दिया था ए जीरो से ग्रेटर बी जीरो से ग्रेटर और एक्स भी पॉजिटिव लेने के लिए, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ऊपर आपके पास एफ डैश एक्स कितना आया है, ए माइनस में बी बाई एक्स स्क्वायर, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने से फिर से एफ डबल डैश एक्स जो आ जाएगा वह आ जाएगा टू बी और बाई में एक्स क्यूब, टू बी और बाई में एक्स क्यूब, है ना जी, यही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू आपका रूट अंडर बी बाई ए होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, एफ डबल डैश रूट अंडर बी बाई ए, तो आ जाएगा टू बी बाई में रूट अंडर बी बाई ए का क्यूब, यानी आ जाएगा टू बी इंटू में ए रूट ए और बाई में बी रूट बी, इससे ये कैंसिल, यानी कि टू ए रूट ए और बाई में बी जो कि रूट बी जो कि जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, है ना जी, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये जीरो से ग्रेटर होगा, तो जीरो से ग्रेटर होगा यानी कि एक्स इक्वल टू रूट अंडर बी बाई ए इज अ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा है, तो जब लोकल मिनिमा है तो यहाँ पे लोकल यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ रूट अंडर बी बाई ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या था ए एक्स यानी कि ए इंटू में रूट अंडर बी बाई ए और प्लस बी बाई में रूट अंडर बी बाई ए। चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर ए बी और इसका वैल्यू हमें किससे लेना होगा, है ना, ये भी रूट अंडर ए बी, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से टू रूट अंडर ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एफ एफ रूट अंडर बी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेना होगा, है ना जी, तो यानी कि हो जाएगा टू रूट अंडर बी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि आ जाएगा, इसको डिवाइड में भेज दे क्या, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं इसको डिवाइड या डिवाइड में ही भेज दो, ठीक है ना जी, और फिर स्क्वायरिंग कर दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और बाई में टू, बाई स्क्वायरिंग, बाई स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर बाई फोर इज लेस देन इक्वल टू ए बी, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यही आएगा आपका, देख लीजिए सी स्क्वायर बाई फोर इज लेस देन इक्वल टू ए बी, सी स्क्वायर बाई फोर इज लेस देन इक्वल टू ए बी, यही यही ना हो जाएगा, है ना, बी नंबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए।